आप देख सकते हो कि अंडर थाई सपोर्ट मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा, थोड़ी सी कम्प्लीटली उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी। बट इसमें आपको कैसी क्वालिटी मिल जाती है वो हम अंदर जाके चेक करें। तो जो सनरूफ है वो आप स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हो। जितने आज है हमारे पास द नेक्स्ट जनरेशन MG Hector, दिस इज द MG Hector प्लस, यानी कि 6 सीटर। So, आज इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं और ये लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी और इसकी प्राइस भी शेयर करी जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले फ्रंट डिजाइन से काफी एजी लुक के एंड इवन इसके सेंटर में भी लाइनिंग दी गई है इसको और बोल्ड बनाने के लिए SUV को। न्यू ग्रिल, डायमंड मेश ग्रिल, क्रोम की फिनिशिंग के साथ एंड MG के लोगों के पास आपको मिल जाता है इसका 360° कैमरा। अब जो MG पहले आती थी उसका जो 360° कैमरा को लोगों से थोड़ी सी कंप्लेंट थी, उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी। बट इसमें आपको कैसी क्वालिटी मिल जाती है वो हम अंदर जाके चेक करेंगे। बाकी बाहर के फीचर्स में आपको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा, दिस इज़ अ रेडार सिस्टम, यानी कि इसमें आपको ADAS के फीचर ऑफर किए जाते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा सेफ्टी बढ़ेगी इसकी। इसमें आपको ADAS में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, डोर ओपन वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे एंड मैं सारी लिस्ट यहाँ पे लगा देती हूँ। एंड इसमें आपको ट्रैफिक जैम असिस्ट फीचर मिलता है, जो कि आप अगर इस फीचर को अनेबल करोगे ट्रैफिक में तो आपको सिर्फ एक्सेलरेटर से पैर हटाना है, कुछ नहीं करना आपको। ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके आपकी ट्रैफिक से गाड़ी निकाल लेगी, तो आप रिलैक्स करके जा सकते हो, आप थकने नहीं वाले हो जब बार बार उसको एक्सेलरेटर ब्रेक पे पैर रख के। सो ये काफ़ी डेफिनेटली इंडिया में तो काफ़ी यूजफुल फीचर होने वाला है। नेक्स्ट, लाइट सेटअप में आपको ड्यूल पॉड LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं, पियानो ब्लैंक की फिनिशिंग के साथ एंड क्रोम की फिनिशिंग एंड फॉग लैंप भी आपको LED ऑफर किए गए हैं। इस तरफ आपको स्लीक से DRL इंडिकेटर ऑफर किए गए हैं, बाई फंक्शनल जैसे आप कह सकते हो, एंड नीचे आपको पियानो क्रोम की फिनिशिंग ऑफर की गई है एंड रियर प्रोफाइल साइड प्रोफाइल चलते हैं इसकी। और इसकी ऐसे चेंज नहीं आया, पहले भी अच्छी थी अब भी अच्छी है। 18 इंचेस के मैसिव अलॉय व्हील्स आपको ऑफर किए गए हैं, डायमंड कट, पियानो ब्लैक एंड सिल्वर फिनिशिंग के साथ। फ्रंट में आपको डिस्क पर ऑफर करी जाती है एंड मिनिमलिस्टिक सी क्लैडिंग मिल जाती है इस तरफ, नीचे भी आपको मिनिमलिस्टिक सी क्लैडिंग एंड बॉडी कलर डोर हैंडल, ये इसका ड्यूअल टोन कलर है जो वाइट विद ब्लैक रूफ आता है। इससे आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ रिक्वेस्ट सेंसर भी ऑफर किया गया है एंड ड्यूअल टोन में इसका जो कलर होगा ORVM का वो होगा पियानो ब्लैक, जिसमें इंडिकेटर ऑफर किए गए। अगर आप इसका वाइट कलर लेते हो, कम्प्लीटली वाइट कलर, वो आपको इसमें जो ORVM है वो वाइट कलर का ऑफर किया जाएगा इंडिकेटर के साथ एंड रूफ रेल्स आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ ऑफर किए जाएंगे। एंड पीछे की तरफ आओगे इस पर आपको 18 इंचेस के रियर टायर प्रोफाइल विद डिस्प्ले, फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको डिस्प्ले ऑफर की जाती है। अब चेक करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल, सेम एज फ्रंट प्रोफाइल रियर प्रोफाइल भी कम्प्लीटली चेंज कर दी गई है न्यू लुक के साथ, जिसपे आपको कनेक्टिंग LED टेल लैंप्स ऑफर की गई हैं, ब्लेड के डिज़ाइनिंग के साथ MG का लोगो ऑफर किया गया है और ऑफकोर्स MG का लोगो। और फीचर वाइज आपको वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप लैम्प एंड स्पॉइलर एंड शार्क फिन इन 3 ऑफर किया गया। हेक्टर की बैजिंग मिल जाती है एंड दिस इज़ अ हेक्टर प्लस, इस वजह से आपको यहाँ पे प्लस की भी बैजिंग दी गई है। और ये गाड़ी है ADAS फीचर से इक्विप्ड, सो इसमें आपको ADAS की बैजिंग पता लगना चाहिए ना कि इसमें ADAS फीचर है, इसलिए इसमें मिलती है आपको ADAS की बैजिंग। रियर प्रोफाइल पहले से ज़्यादा और भी बोल्ड हो चुकी है, तो मुझे तो इसका जो न्यू लुक है डेफिनेटली बहुत पसंद आया है। और जो इसकी बूट है वो इलेक्ट्रिक बूट है, इलेक्ट्रिक टेलगेट पहले भी आता था और अब भी, अच्छा फीचर नहीं कभी मिस होना चाहिए। एंड इसकी बूट लैंप है वो आपको राइट साइड पे LED ऑफर की जाती है, हालांकि ये 6 सीटर है उसकी वजह से आपको थोड़ी सी बूट स्पेस कम मिलती है, बट आई थिंक थोड़े मोटे बैग रखे जा सकते हैं, छोटे छोटे 2 कैबिन बैग रखे जा सकते हैं और थोड़ा सामान रखा जा सकता है। सो अगर तो आपके घर 5 लोग हैं, आप 5 लोग हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप हेक्टर ही लीजिए। अगर आपको 6 सीटर की नीड है तो आप इसको परचेज कर सकते हो, बट थोड़ा सोच समझ के इसको कंसीडर करना। अब जो हेक्टर एंड हेक्टर प्लस के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो हम चेकआउट करेंगे, चलो अंदर चलते हैं। जैसे कि ये हेक्टर प्लस एंड 6 सीटर है, इसमें आपको बैठ के दिखा देती हूँ कि पीछे कैसे बैठना है। आपको इस सीट को इस तरह फोल्ड करना होगा और रिक्लाइन करना होगा और इस तरह हम जाएंगे इसके
अंदर। अब मैं बैठी हूँ इसकी लास्ट रो में, तो कंफर्ट वाइज आप देख सकते हो कि अंडर थाई सपोर्ट मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा। इट मीन्स डेडिकेटली ये बच्चों के लिए ही जगह बनी है बैठने के लिए, तो बच्चे ही बैठ सकते हैं। अब मैं बैठ गई हूँ इसकी लास्ट रो में और आप देख सकते हो कि अंडर थाई सपोर्ट मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इट मीन्स डेडिकेटली ये सीट बनी है, ये बच्चों के लिए ही बनी है, तो बच्चे आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। उनके कंफर्ट के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। बट मैं ये बता देती हूँ, अगर अडल्ट छोटे ड्राइव में बैठना है उसने, तो एडजस्ट करके बैठ सकता है, क्योंकि उसको जो हेड रूम है वो अच्छा खासा मिल जाता है एंड शोल्डर रूम भी ऑफर मतलब ठीक ठाक मिल जाता है सफिशिएंट। बस थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा, बैठा जा सकता है। और फैसिलिटी वाइज इधर 2 कप होल्डर एंड 12 पोर्ट का USB टाइप पोर्ट ऑफर किया गया है एंड AC वेंट्स इधर ही ऑफर किए गए, डायरेक्ट हवा आएगी, तो इस हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली ये पर्सन एडजस्ट कर सकता है। एंड इस साइड पे सेम इधर ऐसे ही AC वेंट ऑफर किए गए हैं, तो अपने हिसाब से एडजस्ट किए जा सकते हैं AC वेंट बंद करने, जिस तरह भी करने। और इधर 1 कप होल्डर मिलता है एंड इधर फैन को स्पीड की इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल दिए गए हैं। जो फैन की स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करनी है इस वाले पर्सन और इस वाले पर्सन के लिए, तो ये कंट्रोल इस तरफ ही मिलते हैं लेफ्ट साइड पे। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इन्वॉल्व 1 मस्क का मोहितो लेमन, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी, हेक्टो जैसी आगे से लेके पीछे तक इसकी फ्रेग्रेंस रहती है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये मेड इन इंडिया, बिल्कुल भी लीक नहीं होता, और जैसे एक्सपेंसिव बॉडी परफ्यूम होते हैं ना वैसे इसकी फ्रेग्रेंस आने वाली है, तो आप ज़रूर इसे कंसिडर करें। ओके, अब चेक करते हैं इसका इंटीरियर। सबसे पहले इसकी डोर साइड जो कि आपको ड्यूल कलर में मिल जाती है, जैसे कि ब्लैक एंड टैन कलर की आपको सॉफ्ट कुशनिंग दी गई है फॉर आर्मरेस्ट, एंड आपको वुडन ट्रीटमेंट भी देखने को मिलेगा। एंड डोर साइड पे आपको कंट्रोल्स, विंडोज के कंट्रोल्स, लॉक एंड अनलॉक के कंट्रोल देखने मिलेंगे। स्टोरेज स्पेस वाइज इसमें आपको 1 बॉटल होल्डर और कुछ छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हो। तो अब बैठे इसके ड्राइवर सीट पे जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्रीमियम टैन कलर का लेदर अपोसली आपको ऑफर की गई है। एंड जब आप हाईवेज पे चलाओगे, क्रूज कंट्रोल यूज़ करोगे, उसके कंफर्ट को और ऐड करने के लिए यहाँ पे डेड पेडल भी ऑफर किया गया है, जो कि बहुत यूजफुल फीचर है। और उसके बाद आपको जो ड्राइवर सीट है और भी कंफर्ट ऐड करने के लिए आपको दी गई है एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल 6-वे, जिसको आप फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हाइट एडजस्टेबल एंड रिक्लाइन कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल, लेदर स्टेयरिंग ऑफ व्हील ऑफर किया गया है, जिसपे आपको स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल जैसे कि ADAS के कंट्रोल दिए गए हैं एंड वॉइस कमांड एंड यहाँ पे वॉइस इंक्रीज डिक्रीज, कॉल एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन करने के लिए। इस तरफ आप देखोगे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ सिल्वर फिनिशिंग दी गई है AC वेंट्स में, काफ़ी बड़े AC वेंट्स हैं। एंड इस तरफ आपको कंट्रोल ORVM के एंड लाइट लेवलर एंड जो इसकी कंट्रोल्स है उसकी लाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल दिए गए एंड बूट ओपनिंग का यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज जैसे स्लिप वगैरह आप यहाँ कैरी कर सकते हो, अदरवाइज आई थिंक फ़ोन नहीं होगा, बड़ा फ़ोन छोटा फ़ोन यहाँ रखा जा सकता है। इस तरफ आपको टैंक लिड एंड बोनट ओपन करने के लिए कंट्रोल दिए गए हैं। और बताना चाहती हूँ कि जो इसकी फ्रंट सीट है वो आपको वेंटिलेटेड ऑफर करी जाती है ड्राइवर एंड को ड्राइवर। अब मैं आपको को ड्राइवर का भी कंफर्ट बता देती हूँ। सो ये है को ड्राइवर की डोर साइड, सेम एज ड्राइवर साइड, इससे आपको कुशनिंग बहुत बढ़िया मिल जाती है, वुडन ट्रीटमेंट एंड विंडो का कंट्रोल ऑफर किया गया है। स्टोरेज स्पेस में 1 बॉटल होल्डर एंड टिश्यू पेपर वगैरह रख सकते हो। इस तरफ आपको स्पीकर्स के पास सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिलेगी एंड स्पीकर की बात हो रही है, एंटरटेनमेंट के लिए आपको इन्फिनिटी के 8 स्पीकर सिस्टम ऑफर किया जाता है। अब बारी आती है को ड्राइवर के कंफर्ट की। यस, ये है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, जिसको आप 4-वे से इलेक्ट्रिकल एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको फॉरवर्ड कर सकती हूँ, बैकवर्ड कर सकती हूँ एंड इसको रिक्लाइन कर सकती हूँ। बट इसमें हाइट एडजस्टेबल नहीं है, वो ड्राइवर को फीचर मिलता है। अदरवाइज जो इसकी कुशनिंग है, जो इसका अंडर थाई सपोर्ट है, वो आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है। एंड जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। वुडन जो आपको डैशबोर्ड दिया गया है, वो आपको सॉफ्ट टच दिया गया है टैन कलर का। एंड इस तरह भी आपको AC वेंट बड़े साइज़ के ऑफर किए गए हैं एंड ग्लव बॉक्स आपको डिसेंट मिल जाता है। ये ना ही कूल्ड है ना ही इल्यूमिनेटेड है, ठीक ठाक ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया इवन इन हेक्टर 5 सीटर।
सो नाउ यहाँ पे आपको मिल जाती है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7 इंचेस का, जो कि फुली डिजिटल है। सारे ADAS के फीचर यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। एंड अब आती है इंडिया की सबसे बड़ी टच स्क्रीन, जो कि आपको हेक्टर में ऑफर करी जाती है, विच इज 14 इंचेस डिस्प्ले। स्क्रीन इस पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट मेन हमारा कंसर्न है इसका 360 डिग्री कैमरा। वो मैं आपको ऑन करके दिखा देती हूँ। हम पहले जाएंगे इसके होम पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे 360 डिग्री कैमरा। अभी ये शो नहीं कर रहा, बट फिर भी इसकी जो हमने हेक्टर की वीडियो बनाई है उसकी क्वालिटी मैं शो कर देती हूँ। उसके अलावा ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इवन एक जो अमेजिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आप व्हीकल सेटिंग पे जाओगे, इसका जो सनरूफ है वो आप स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हो। जितने परसेंट आपने खोलना है, जैसे 10% आपने ओपन करना है, 20%, 50%, जितना भी क्लोज एंड ओपन कर सकते हो। और इवन वेंट आपने ओपन करना है, इस तरह के आपको ऑफर किए गए हैं। लैंप भी, एम्बियंट लाइटिंग, विंडो लॉक, टेल गेट, साइड मिरर, वाइपर, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, सब कुछ आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हो। 100+ आपको कनेक्टेड फीचर्स दिए जाते हैं, 50+ आपको इंग्लिश वॉइस कमांड ऑफर की गई है, 75+ आपको वॉइस कमांड्स। और इवन जो सनरूफ है आप 3 वे से कर सकते हो, जैसे कि आप वॉइस असिस्ट से इसको सनरूफ ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आपको कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हो ऊपर से। और नाउ जो न्यू फीचर ऐड हुआ है, फर्स्ट इन सेगमेंट, आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। इस तरफ आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिल जाता है इस तरफ। एंड न्यू आपको यहाँ पे गियर नॉब दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है। इस तरफ आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स मोड पे आपने इसको रखना है उसको रख सकते हो। और चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपको USB पोर्ट दिया गया है इस तरफ, एंड इस तरफ भी आपको चार्जिंग के लिए USB पोर्ट दिया है, आप चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कंट्रोल, जैसे कि वेंटिलेटर सीज के, हैजार्ड लैम्प के, ट्रैक्शन कंट्रोल और AC को कंट्रोल करने के लिए फीचर दिए गए। ये ऊपर आप देखोगे तो आपको IRVM ऑटोमेटिक एडजस्टेबल मिलता है, इस तरफ आपको सनग्लास होल्डर, एंड इस तरफ आपको वैनिटी मिरर विद लाइट, LED लाइट, एंड को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर विद लाइट ऑफर किया जाता है। एंड जो इसके रीडिंग लैंप्स हैं वो आपको LED ऑफर किए गए हैं, इस तरफ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सो ये आपको प्रीमियम डैशबोर्ड ऑफर किया जाता है। और इवन इस तरफ देखोगे बड़ी सी आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, मैं भी दिखा देती हूँ, काफ़ी कुशनिंग फैब्रिक इतना बढ़िया यूज़ किया गया है। इस तरफ आप बहुत बड़ी स्टोरेज दी गई है, पूरा इतना बड़ा फ़ोन है, मैं इसको अंदर रख सकती हूँ आराम से, फिर भी उसके बाद बच रही है जगह, बॉटल वगैरह भी रखी जा सकती है। और इस तरफ आपको कप होल्डर दिए गए हैं, इस तरफ आप कप होल्डर रख सकते हो। और इस पर आपको फीचर ऑटोमेटिक ब्रेक और पार्क पे लगाने के लिए आपको कंट्रोल दिए गए हैं। और पूरा आपको यहाँ पे वुडन ट्रीटमेंट दिया गया है, जो कि हेक्टर 5 सीटर से काफ़ी अलग है। मैं बैठी हूँ हेक्टर प्लस 6 सीटर में, इसमें 7 सीटर का भी वेरियंट आता है, बट अभी उस तक उसकी प्राइसिंग नहीं आई है। पीछे की तरफ भी सेम फ्रंट डोर आपको कुशनिंग दी गई है, सिल्वर डोर हैंडल्स एंड विंडो के कंट्रोल और वुडन ट्रीटमेंट। इस तरफ आपको 1 बॉटल होल्डर, छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हो। अब ये जो सीट्स हैं इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है, कंफर्टेबली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और ये मैन्युअली एडजस्टेबल है, जिसपे आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो और इसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हो। इस तरफ आपको आर्मरेस दी गई है, हालांकि वो थोड़ी सी मुझे छोटी लगी है, थोड़ी सी बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। स्टोरेज स्पेस के लिए आपको इस तरफ पॉकेट मिल जाती है, और AC वेंट्स आपको इस तरफ दिए गए हैं सेंटर में, एंड चार्जिंग के लिए 12 वॉट का सॉकेट, एंड फ़ोन रखने के लिए नीचे स्टोरेज दी गई है। और ये इसकी जो सरफेस है मैं आपको दिखा देती हूँ, फ्लैट सरफेस है, तो आराम से आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो, कुछ इस तरह लीन होके बैठ सकते हो आराम से। और मेन इसका जो सनरूफ है वो पीछे तक ओपन होता है, इसको आप इंजॉय कर सकते हो आराम से। हालांकि जो थर्ड रो वाले पर्सन है वहाँ तक सनरूफ नहीं जाता। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हेक्टर प्लस या हेक्टर लेनी चाहिए, तो अगर तो 5 लोग हैं आपकी फैमिली में, तो मुझे लगता है डेफिनेटली हेक्टर प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि जो 6 सीटर है उसमें जो थर्ड रो है उसमें सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर कंसिडर करना, क्योंकि फीचर वाइज सारे सेम हेक्टर एंड हेक्टर प्लस सेम फीचर ऑफर किए जाते हैं। हालांकि सीट्स का फ़र्क है, बट आई थिंक वो इतना मैटर नहीं करता, स्पेस ज़्यादा मैटर करती है। सो ये थी मेरे तो से वीडियो ऑन हेक्टर प्लस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, हमने बहुत सारी एक्सपो पे वीडियोज़ बनाई है, उसे भी चेकआउट ज़रूर कर लें।